प्रधानमंत्री का संदेश। मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के आयोजन के विषय में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। इस कार्यक्रम में देश भर से हिस्सा ले रहे विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुशासन, सफल विधायी अभ्यास और अभिनव विकास मॉडल जैसे विषयों को केंद्र में रखकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जिस तरह लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूती प्रदान करने हेतु चिंतन और संवाद के लिए एकजुट हुए हैं, यह अद्भुत है। आज़ादी के इस अमृत कालखंड में हमारे सामूहिक प्रयास ही भारत जैसे विशाल लोकतंत्र को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जमीनी स्तर पर सतत विकास एक भव्य एवं विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान करता है। जनता में सहज और निरंतर संवाद और स्थानीय मुद्दों को मुखरता से उठाकर विकास की इस यात्रा में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विधायक सम्मेलन देश भर से आए जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे को जानने और उनकी कार्यशैली को समझने का एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि परस्पर एक दूसरे के कार्य प्रणाली को सीखकर जनप्रतिनिधि विकास के एक बेहतर मॉडल को लेकर आगे बढ़ सकेंगे। देश में पहली बार हो रहे इस तरह के सम्मेलन के मेजबानी के लिए महाराष्ट्र के लोगों को विशेष रूप से बधाई। प्रगतिशील विचारों की इस धरती ने विभिन्न कालखंडों में अपने नेतृत्व से देश को दिशा प्रदान की है। मैं आशा करता हूँ कि विधायिका को मजबूती प्रदान करने की यह नई पहल एक स्वस्थ परंपरा के रूप में निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। यह देखना सुखद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद और मार्गदर्शन युवा विधायकों को मिल रहा है। अपने ज्ञान एवं अनुभव से लोकतांत्रिक परंपरा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे ऐसे सभी लोगों का विशेष रूप से आभार। आशा करता हूँ कि यह सम्मेलन विधायकों को राष्ट्रहित में अपने प्रयासों को गति देने के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इस विश्वास के साथ सम्मेलन के लिए अनंत शुभकामनाएं। आपका नरेंद्र मोदी।